हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम खेलने वाले हैं वॉर स्ट्रेटेजी टावर डिफेंस 2। एपिसोड 1 का लेवल 3 है। गेम स्टार्ट कर देते हैं। यहाँ पर मशीन गन टावर प्लेस कर देते हैं सेंटर में। अब इस गेम का मैप देखिए, दो रोड्स है जहाँ से एनिमीज आने वाले हैं, ठीक है। तो हमें मशीन गन टावर बिल्कुल ऐसे प्लेस करना है कि एक ही रोड में वो हिट हो सके। आपको दोनों रोड पे अलग अलग प्लेस नहीं करना है, ठीक है। वेव 2 स्टार्ट हो चुका है। ये जो सर्कल है हमारा, ये जो ट्रीज है जहाँ से मेन एनिमीज जाने वाले हैं, यही मेन रोड होने वाला है हमारा, जहाँ से एनिमीज जाएंगे और वहीं पर हमें उन्हें हिट करना है। $100 हो चुका है। मशीन गन टावर अपग्रेड कर देते हैं। वेव 3 स्टार्ट हो चुका है। ऐसे काफ़ी आगे भी लेवल्स आएंगे जिसमें 2 या 3 रोड्स होंगे जहाँ से एनिमीज आएंगे, बट आपको मशीन गन वही प्लेस करना है या फिर जो अपना आर्मरी है, कैनन्स है, वो वहाँ पे प्लेस करना है जहाँ से एक ही रोड पे आप उनको हिट कर पाए। आप दोनों रोड पे अगर उन्हें रखेंगे तो आपका आर्मरी का टाइम वेस्ट होगा। वेव 4 स्टार्ट हो चुका है। एक और मशीन गन टावर ले लेते हैं यहाँ पर। दूसरा मशीन गन टावर भी देखिए, मैंने बिल्कुल वहाँ पर लिया है इस कॉर्नर में, जहाँ से वो एक ही रोड पे एनिमीज को हिट कर पाए। और जब भी आप कॉर्नर में कोई भी मशीन गन टावर या कैनन टावर जो भी लेते हैं, तो देखिए एक सर्कल में वो बराबर एक रेंज में हिट कर पाता है। देखिए एक रेंज से स्टार्ट करता है, दूसरे रेंज में जब तक एनिमी आगे जाता है वो हिट हो चुका होता है, पूरा मतलब ब्लास्ट हो चुका होता है। लेवल 3 है ये एपिसोड 2 का, और हमें कैनन का ऑप्शन आ चुका है, और कैनन होने के लिए 200 पॉइंट्स होने ज़रूरी है आपके। बॉम्ब प्लेस कर देते हैं। ऑब्जेक्ट्स देखिए कितने सारे ब्लास्ट होते हैं। कैनन्स एक काफ़ी स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है, जो हमारे स्टोन्स या फिर जो भी टैंक्स आएंगे, जो भी हेवी एनिमीज आएंगे, उन्हें आराम से हिट कर पाएगा। देखिए यहाँ पे स्टोन को हिट करते हैं। देखिए स्टोन का पावर देखिए कितना स्पीड से कम हो रहा है, जबकि पिछले लेवल में हम मशीन गन से हिट करते थे तो उतना स्पीड से हिट नहीं कर पाता था। ट्रक्स आ चुके हैं वेव 7 में। मशीन गन पावर और कैनन दो चीज़ें हैं हमारे पास। अपग्रेड का ऑप्शन फिलहाल नहीं है कैनन में, जो आगे आएगा लेवल में। फिलहाल सिर्फ लेवल 1 कैनन ही है हमारे पास। वेव 8 स्टार्ट हो जाएगा। स्टार्ट हो चुका है। देखिए ट्रीज को वन शॉट में वो ब्लास्ट कर रहा है। ट्रक हमारा देखिए आगे चला गया। जब आप ऑब्जेक्ट्स को हिट करते हैं, आपको ध्यान रखना है कि एनिमी आगे नहीं चले जाए। आपको ऑब्जेक्ट्स तभी ब्लास्ट करने हैं जब हमारे एनिमीज को आप हिट करेंगे, मतलब पूरा एनिमीज अगर ख़त्म हो गए रहेंगे। थर्ड कैनन ले लेते हैं, उसी रेंज में लिया है मैंने। वो जो एक ही रोड है हमारा जहाँ से एनिमीज जाने वाले हैं, वहीं पर ले लेते हैं कैनन। वो आपको ध्यान रखना है कि एनिमीज आगे नहीं जाने चाहिए। अब एनिमीज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्ट से, क्योंकि अगर एनिमीज चले जाएंगे तो आपकी हेल्थ कम होगी और आपको 3-स्टार लेवल कंप्लीट नहीं होगा। मशीन गन्स अब उतने पावर से अटैक नहीं कर पा रहे हैं, तो इसको बेच देते हैं। यहाँ पर और एक कैनन ले लेते हैं। एक मशीन गन हमेशा एंड में क्यों रखना है, क्योंकि जब भी छोटे छोटे एनिमीज आते हैं या फिर कार्स आते हैं कोई भी, तो ओनली कैनन उनको हिट नहीं कर पाएंगे। कितने भी आपके कैनन्स हो, क्वान्टिटी आपके कैनन्स के फिर ज़्यादा होनी चाहिए, इसलिए एक मशीन गन हमेशा आपको रखना है एंड तक। और एक कैनन ले लेता है। ये बात ध्यान रखिए, आर्मरीज आपको बिल्कुल वैसे लेना है, ऐसे नहीं कि देखिए कभी कार्स आ चुके हैं, कितने सारे कार्स हैं, अब यहाँ पे हमें बॉम्ब की मदद लेनी पड़ेगी। पोर्टल लगा देते हैं। बॉम्ब देखिए लगा दिया है। हमें बॉम्ब की ज़रूरत काफ़ी पड़ी। अब लास्ट लेवल है। अब तो कार्स आएंगे नहीं, अभी टैंक्स ही आएंगे। ये मशीन गन टावर को भी अभी सेल करके कैनन्स ले लेते हैं। वेव 12 स्टार्ट हो चुका है। लास्ट लेवल टैंक्स आ चुके हैं। मशीन गन को सेल करके कैनन ले लेते हैं।
लास्ट बैंक आ चुका है। ओके फ्रेंड्स, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू, टेक केयर।